से हम देखेंगे इस पे डिस्प्ले पे ध्यान देंगे तो मे भी यहाँ पे कोडिंग चेंज होने लगा और यहाँ पे C1125 में भी हमारा डिस्प्ले आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीजें एक्चुअली फिर आप सबको गाइड कर देते हैं कि मे भी अगर आपका प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और आज को आप हम एक ये हमारा बोर्ड आया हुआ है, लेकिन कि एक बोर्ड है ये आपका गीगाबाइट का है, G41 का मदरबोर्ड है ये, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बोर्ड रनिंग में है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट आज एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है और उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपका मोस्टली है कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा कंट्रोलर या फिर एलसीडी, एलईडी या एसी पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम पावर लगा के देख लेते हैं, ठीक है। और एक एक करके अभी हम ये कनेक्ट कर दिए, अभी 4-pin ATX कनेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक कार्ड यूज करेंगे, नए वाले या पुराने वाले दोनों में से कोई अगर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डायग्नोस्टिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है, क्या कोडिंग आ रही है। तो चलिए हमने कनेक्ट कर दिया है और इसको हम ऑन करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो इस पर भी देखेंगे, तो हमने इस पर ट्रिगर कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे कि कोई लाइट, सिर्फ एक लाइट जल रहा है फ्रेम वाला और सिर्फ इस पर कोडिंग आ रही है 00, ठीक है। तो इसमें एक एक्यूरेट आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता नहीं चलता। देखिए फैन चल रहा है, तो फैन एक बार हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि मैंने अभी फैन इसके ऊपर ऐसे ही रखा हुआ है। और देखें कि ये हमारा प्रोसेसर है जो हीट नहीं हो पा रहा, ठीक है। बोर्ड चल रहा है, इसको बोलते हैं नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम। तो यानी इसमें देखेंगे कि ये तो चल रहा है पर प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो प्रोसेसर नहीं हीट हो रहा है, इसका मतलब कि मे भी हो सकता है कि हमारा VRM सेक्शन काम नहीं कर रहा हो। तो VRM सेक्शन को हम अब क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो कोर वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं कि कोर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीमीटर, ठीक है, हम इसको DC20 पे सेट कर दिए हैं और हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई यानी मेन मोस्फेट पे आ रहा है और आउट हो रहा है कि नहीं, तो आउटपुट में 0 वोल्टेज मिल रहा है। तो में भी कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसर का भी दिक्कत हो सकता है, कोई मोस्फेट को भी अगर दिक्कत है तो में भी हो सकता है। तो चलिए 1x1 स्टेप बाई स्टेप सारा चीज हम जानते हैं। तो चलिए हम अभी प्रोसेसर इसको रिप्लेस कर रहे हैं, मे भी दूसरा प्रोसेसर देख लेते हैं, कहीं हो सकता है प्रोसेसर भी ना सपोर्ट कर रहा हो। तो जब आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप चिप लेवल से चेक कर लीजिए, ठीक है। हम इसको लगा के ऑन करते हैं, बोर्ड को ट्रिगर किए, अब देखते हैं क्या हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मे भी अभी भी ये हमारा सप्लाई जो है मेन मॉस्फेट सोर्स पे कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि मेन मॉस्फेट है जो है कहीं पे भी कोई सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। VRM सेक्शन शॉर्टकट में चेक करने के लिए इस कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं सारी चीजें। तो अब देखिए, अगर ये अगर मेन मॉस्फेट का गेट इनेबल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले होता है कि IC आपका इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो IC को इनेबल देखने के लिए हम इसका डाटा शीट डाउनलोड करेंगे या सेमेस्टिक होना चाहिए। तो अभी हमने डाटा शीट ओपन कर रखा है, उसमें हम देख लेते हैं कितना नंबर पिन है, फिर हम आके इस पर चेक करेंगे। तो अभी देखेंगे कि ये जो है हमारा VRM IC है, जिस अभी जो हम बोर्ड चेक कर रहे थे, और इसका जो इनेबल वाला पिन है देखेंगे कि यहाँ पे 36 नंबर पिन है। 36 नंबर पिन पे आपका VTT पावर गुड आ रहा है, ये वाला VTT पावर गुड। तो मे भी हम चेक करेंगे कि VTT पावर गुड कहाँ से बन रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये कहाँ का हो सकता है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मे भी इसको थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। तो इसमें VTT पावर गुड अभी हमने जो चेक किया था वो यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये देखेंगे कि VTT पावर गुड यहाँ पे बन रहा है और ये कंप्लीट इसका VTT पावर गुड का सेक्शन है, जहाँ पे ये पावर IC LM324 पावर IC जो है 14 पिन का है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है ये यहाँ से जैसे एक नंबर पिन से सप्लाई आपका आउट हो रहा है,
और आगे दो ठो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे जा रहा है। तो हम कंप्लीट अब स्टार्ट करेंगे कहां से, पिन नंबर 2, 3, 4 और 11 पावर आईसी से हम ये सारी चीजें चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आउट हो रहा है तो बीटीटी पावर उसके 36 नंबर पे जा रहा है, ये कंप्लीट इतना चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि वीआरएम आईसी इनेबल हो रहा है कि वीआरएम आईसी में दिक्कत है या ये पावर आईसी में दिक्कत है। तो चलिए हम आते हैं फिर अब बोर्ड पे और एक एक चीजें सारे चीज आपको करके दिखाते हैं। चलिए तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर से, अभी ये स्टार्ट हो गया है और हमें चेक करना है जो वीआरएम आईसी है इसके 36 नंबर पे। तो यहाँ पे देखेंगे एक नंबर पिन स्टार्ट हो रहा है, तो एक साइड में 12 पिन है, तो इधर से 12, इधर से 12, इधर से 12, 12 × 24 = 36, ये कोने वाली जो पिन है इसका 36 नंबर है। अभी हमने एक एक करके सारा चीज चेक पिन काउंट कर लिया था और यहाँ पे हमें सप्लाई कुछ बनना चाहिए, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि मे बी यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे अगर सप्लाई नहीं बन रहा है तो मे बी पावर आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीच में जो वोल्टेज डिवाइडर लगा है उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है या आईसी का दिक्कत हो सकता है। तो अब हम चलेंगे पावर आईसी पे कि पावर आईसी से सप्लाई आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने अब पावर आईसी पे आ जाते हैं, तो पावर आईसी का एक नंबर पिन, सबसे पहले तो पावर आईसी का 4 नंबर पिन जो है इनपुट है, तो मैं थोड़ा सा आपको इधर आपको दिखा देता हूं क्लियरली कि ये पावर आईसी है, इसका 4 नंबर पिन पे 1, 2, 3, 4 नंबर पिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो 12 वोल्ट की सप्लाई इस पे बन रही है, इसके ठीक सामने वाला ग्राउंड है, ठीक है। 3 नंबर पिन पे आपको 1.2 वोल्टेज बनेगा वीटीटी जीएमसीएच, और 2 नंबर पिन पे इसका जो है 1 वोल्ट, यानी ये आपका जो सप्लाई आता है वीटीटी रेफरेंस वाला, ठीक है। एक तो वीटीटी रेफरेंस वाला आता है और एक आता है आपका हाफ वोल्टेज जो वीटीटी का आपको बनता है 2.5 लेवल का, जो 2.5 लेवल आता है उसी से आधा वोल्टेज बनता है, तो इस पे 1 वोल्टेज आपका बनेगा। अगर आप ठीक से अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको बनेगा 1.2 वोल्ट वीटीटी का सप्लाई। एक नंबर पिन से सप्लाई आउट होना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नंबर से सप्लाई आउट हो रहा है। अब यहाँ से एक नंबर से सप्लाई आउट हो रहा है फिर भी यहाँ पे आपके वीआरएम आईसी को सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डीसी मशीन से इस वीआरएम आईसी को इनेबल करके देखेंगे कि क्या इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसके और इसके बीच का प्रॉब्लम है, तो उसको हम ट्रेस करके और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा डीसी मशीन। आप देखेंगे इसको इनेबल होने के लिए जो सप्लाई आता है अप्रोक्स 2 वोल्ट के आसपास, 1.5 से 2 वोल्ट। तो मैं इसको सेट कर देता हूं 1.8 वोल्ट के आसपास, ठीक है, 1.7 वोल्ट से भी चल जाएगा। एक जो पिन है हमारा, इसको हम क्या करते हैं ग्राउंड में अटैच कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं घुमा लेता हूं, इसको हमने इसको थोड़ा सा घुमा लिया, ये जो एक हमारा जो पिन है इसमें ये ग्राउंड से अटैच कर देंगे ताकि इसको अर्थ मिल रहा है। और एक जो पिन है इससे हम 2.5 वोल्ट इंजेक्ट करके देखेंगे, तो इस पर हमें कोडिंग भी देखना है और वोल्टेज भी देखना है। तो हम चलिए इस पे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंजेक्ट करके इस पे आप डीसी सप्लाई से इंजेक्ट करके देखेंगे। तो मैं भी इस पे हमने सप्लाई डाला और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोडिंग चालू चेंज होना चालू हो गया। जैसे हमने डीसी मशीन से सप्लाई इंजेक्ट किया 1.7 वोल्ट, यहाँ पे आपका कोडिंग में भी चेंजिंग होना चालू हो गया। पहले कोडिंग आ रहा था 0.0, तो हो सकता है रैम की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.7 वोल्ट या तो जंपर कर सकते हैं या इसके बीच के ट्रेसिंग करके उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको क्या करते हैं कि ऑफ करते हैं कंटिन्यू, और इसके बीच में हम ट्रेसिंग कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज। तो जल्द से जल्द ट्रेसिंग कर लेंगे, मल्टीमीटर को बजट पॉइंट पे सेट कर दिया हमने, ठीक है। और यहां से इस पावर आईसी से देखेंगे कि क्या क्या चीजें, यहाँ पे देखें कि ये पावर आईसी है आपका U4, ठीक है, और इसके एक नंबर पिन से सप्लाई आउट होगा। यहाँ पे देखें कि ये 0.0 आ रहा, यानी ये इसका रजिस्टर का पहला ट्रैक है और रजिस्टर का दूसरा ट्रैक, यानी ये रजिस्टर देखिए आपस में बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मे भी ये हो सकता है कि ये रजिस्टर खराब हो। तो चलिए हम एक बार इधर से, ऐसे भी है, चलिए तो यहाँ से एक बार यहाँ से बीप करा लेते हैं कि बीप कर रहा है कि नहीं। तो यहां से तो बीप कर रहा है, रजिस्टर के दूसरे पिन से बीप कर रहा है, प्लस इधर से आपका बीप नहीं कर रहा है।
तो हम एक बार पावर देके भी सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, क्या यहाँ से दूसरे पिन पे सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। अगर दूसरे पिन पे हमें कोई सप्लाई नहीं मिला, इसका मतलब मे बी ये रजिस्टर खराब हो सकता है या फिर कोई और चीज लगा होगा तो वो खराब हो सकता है। तो हम मल्टीमीटर को यहीं पे डीसी पे अभी रख दिए हैं हमने, ठीक है, और बोर्ड को हमने स्टार्ट किया, बोर्ड स्टार्ट हो गया, डीसी पे है और हम इसको रजिस्टर के दूसरे पिन पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, प्लस इस वाले पिन पे हमें सप्लाई मिल रहा है। तो 100% क्लियर हो गया कि ये आपका रजिस्टर खराब है। इस रजिस्टर को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या हमारा बोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है पावर आईसी का, रजिस्टर का, वीआरएम आईसी का, और उसके बाद वीआरएम सेक्शन में लगे मोसफेट का। तो हम चलते इसको रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोई स्क्रैप बोर्ड। स्क्रैप बोर्ड से हम क्या करेंगे जी, एक रजिस्टर निकालेंगे, कितने ओम का। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हैं, एक 8 किलो ओम का लगा हुआ है और एक आपको 10 किलो ओम के आसपास लगा हुआ है, ठीक है, 8 या 10 किलो ओम के आसपास का एक हम रजिस्टर निकालेंगे, जिससे हमें उस पे वहां पे हम इंजेक्ट कर सके। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये एक 4 किलो ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे देखते हैं, ये नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, कोई और देख लेते हैं। किसी भी बोर्ड से एक हम रजिस्टर निकालेंगे, लगभग ये 16 किलो ओम का है, ये नहीं लगेगा, ये है आपके 9 किलो ओम का रजिस्टर। तो मैं भी वहां पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो मैं भी हमें इसको यहाँ पे लगा सकता हूं। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर था, मैं इसको निकालता हूं, ये हम रजिस्टर निकाल लिए हैं 10 किलो ओम का, और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। चलो, तो ये जो हमारा रजिस्टर हमने निकाला था, बहुत बारीक सा है, एकदम छोटा सा, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए हम इसको पावर प्लग करते हैं, मैंने इसका रजिस्टर लगा दिया, अब इसको हम ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर कर दिए, देखें यहाँ पे कोडिंग आना चालू हो गया है, मे बी प्रोसेसर भी हमारा हीट होना चालू हो गया, कोडिंग आ गया, कोडिंग आ गया। अब ये जो कोडिंग है ये रैम का है, तो चलिए हम रैम को भी रिप्लेस करके देखते हैं, रैम को थोड़ा सा साफ उप करके देखते हैं। फिर से हम देखेंगे इस पे, डिस्प्ले पे ध्यान देंगे, तो मैं भी यहाँ पे कोडिंग चेंज होने लगा और यहाँ पे C11825 में भी हमारा डिस्प्ले आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेन मेन चीजें। एक्चुअली फिर आप सबको को गाइड कर देते हैं कि मैं भी अगर आपका प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, प्रोसेसर नहीं हीट हो रहा है, सबसे पहला आपका काम है प्रोसेसर बदल के देखिए, उसके बाद जितने मोसफेट हैं इनको चेक कर लीजिए, फिर चेक करिए कि सप्लाई ऑन करके कि मोसफेट का गेट इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोसफेट का गेट नहीं इनेबल हुआ तो वीआरएम आईसी को चेक करिए कि इनपुट सप्लाई और इनेबल सिग्नल मिला कि नहीं मिला। अगर वीआरएम आईसी को इनेबल नहीं आ रहा है तो ये आपको चेक करना है कि वीआरएम आईसी को इनेबल कहाँ से आ रहा है, उसको आपको चेक करना है कि उस पर भी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि सबसे पहले हमने चेक किया कि मोसफेट को प्रोसेसर बदला फिर नहीं हुआ, फिर हमने मोसफेट वगैरह चेक किया फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने चेक किया कि वीआरएम आईसी का इनेबल वाला पिन कौन सा है, क्योंकि इनेबल बनेगा तो सारा काम करेगा। तो इस पे इनेबल वाला पिन 36 नंबर था, ये इनेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर ये चेक किया कि इनेबल कहाँ से आ रहा है, तो फिर पता चला कि ये पावर आईसी से आ रहा है, ये वाला आईसी से। फिर ये आईसी पे सप्लाई तो सारा आ रहा है, पर यहाँ से और इसके बीच में जो रजिस्टर लगा हुआ है मे बी वो बर्न हो गया था, जिसके कारण हमारा वीआरएम आईसी इनेबल नहीं हो रहा था ना कोर वोल्टेज बन रहा था। आई होप कि ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वन बाय वन समझ में आ गया होगा।
और ऐसे ही आपको फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा से रिलेटेड कंट्रोलर वगैरह चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है या करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट करिए। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कोई अलग टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।